हे गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रहा। आज की वीडियो में मैं दो बड़े ही कमाल के पिगी बैंक्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये है अपना एरोप्लेन वाला पिगी बैंक। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि इस वाले पिगी बैंक की अनबॉक्सिंग करने के लिए। दूसरा वाला पिगी बैंक है कूल बैग पिगी बैंक। तो चलो दोस्तों करते हैं वीडियो को। तो भाई यहाँ पर देखो, ये जो पिगी बैंक है इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट पासवर्ड भी मिल जाता है और स्मार्ट फेस मोड मिलता है, फिंगरप्रिंट मोड मिलता है, स्ट्रॉन्ग बॉक्स मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाला पिगी बैंक। ऊपर देखो यहाँ पर इसके बहुत सारे फीचर्स भी दिए हुए। तो चलो फटाफट से मैं बॉक्स को ओपन करके बताता हूँ और साथ में फिंगरप्रिंट और इसका फेस रिकॉग्निशन भी चेक कर लेते हैं सही से काम करता है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे मिला है इसका यूजर गाइड और यहाँ पर देखो अपने को कुछ फेक डॉलर्स भी मिलते हैं। तो अपन ये यूज करने वाले नहीं है, अपन यूज करेंगे अपनी रियल मनी इस पिगी बैंक के अंदर। तो भाई शायद ये जो पिगी बैंक है बहुत ही अलग अलग पार्ट्स में मिलता है, जैसे कि देखो ये इसके साइड के फिन्स हैं और ये ऊपर वाला फिन है। तो सारी चीजों को जोड़कर अपने को एक एरोप्लेन वाला पिगी बैंक बनाना होता है। तो भाई बहुत ज्यादा पार्ट्स इन लोगों ने दिए हैं, यानी कि पूरी तरीके से DIY पिगी बैंक है। तो भाई ओ माय गॉड, कितना ज्यादा मोटा, कितना ज्यादा बल्की है देखो यार अपना पिगी बैंक, मजा ही आ गया गाइस इसे देखकर। तो इस वाले पिगी बैंक के अंदर देखो सारी चीजें, इसके जो नंबर कीपैड होता है सारी चीजें यहां पर दी गई है और देखो यहां पर फिंगरप्रिंट सिस्टम भी दिया हुआ है और फेस रिकॉग्निशन का एक सेंसर भी यहां पर दिया हुआ है। और भाई एकदम इन लोगों ने सारी चीजें छिपा कर दी हुई है। देखो यहां से हम लोग चाहे तो इसके अंदर पैसे वगैरह डाल सकते हैं और यार कॉइन्स वगैरह डालने के लिए मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा है, शायद अंदर ही होगा, देख लेता हूँ। ओ अच्छा, तो यहां से हम लोग कॉइन्स डाल सकते हैं, यहां से हम लोग नोट्स वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। कीपैड की क्वालिटी ठीक ठाक ही लग रही है। नीचे की तरफ देखो यहाँ पर हमें 3 AA बैटरीज डालनी होती है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ और फटाफट से अपने पिगी बैंक को भी चेक करते हैं। उसके बाद अपने बैग वाला पिगी बैंक भी मैं आपको चेक करके बताने वाला हूँ। ये पिगी बैंक भी बड़ा ही कमाल का लगा था मेरे को, इसीलिए मैंने इसको खरीदा है। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम है, 900 rupees। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप दोनों को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, आपको लेफ्ट साइड में एक बैग दिखाई देगा, बैक पर जैसे ही क्लिक करोगे दोनों का बाय लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं सोच रहा था कि फटाफट से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास पिगी बैंक है तो उस पिगी बैंक के अंदर आपने अभी तक कितने पैसे जमा किया है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे पास एक गजब की चीज है आपको दिखाने के लिए, ये देखो गाइस, ये है सेस्ना 182 एरोप्लेन। ये जो एरोप्लेन है हवा में भी उड़ सकता है भाई। इसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले बनाया था, आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था। आने वाले दिनों में इस एरोप्लेन के साथ मैं एक ड्रोन की भी फाइट कराने वाला हूं, तो भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में यस बोलकर जरूर से लिख देना गाइस। तो चलो इसको साइड में रखता हूं। अरे यार यहां पर कुछ गिरा है। ओ भाई, तो इसके साथ हमें एक एस्ट्रोनॉट बोलो या फिर इसका ड्राइवर बोलो ये भी मिलता है। तो भाई इन लोगों ने एरोप्लेन के साथ एस्ट्रोनॉट क्यों दिया हुआ है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद ये जो एस्ट्रोनॉट है यहाँ पर इस तरह से लगता है। अभी एकदम कमाल का लग रहा है अपना पिगी बैंक। तो चलो फटाफट से इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को टेस्ट करेंगे दोनों में से कौन सा पिगी बैंक जीत पाता है। तो भाई ये आ गया अपना बैग वाला पिगी बैंक और कुछ है नहीं गाइस इसके अंदर, पूरी तरीके से फुल्ली असेंबल्ड होके आता है। तो भाई यहाँ पर देखो स्कूल बैग बोल के लिखा है और भाई यहाँ पे है इसका नंबर की पैड, यहाँ से है फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ से हम लोग इसके अंदर नोट्स वगैरह डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं चाहे तो, और यहाँ से देखो कॉइन्स वगैरह डाल सकते हैं और भाई यहाँ पर एक हैंडल भी दिया हुआ है जिस तरह का हैंडल बैग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें डालनी होती है 3 AA बैटरीज। तो चलो गाइस फटाफट से दोनों के अंदर भर भर कर नोट डालते हैं, देखते हैं कौन सा पिगी बैंक है सबसे ज्यादा फास्ट। तो भाई ये आ गए अपने रियल वाले पैसे सारे के सारे 500 के नोट से। तो भाई इसको ओपन कर लेते हैं, अभी डालते हैं इसके अंदर। तो भाई पहले 2 नोट्स डालकर देखेंगे हम लोग, देखते हैं ये खींच पाता है कि नहीं। ओ भाई देखो यार, एकदम गजब तरीके से इसने तो नोट्स को खाना चालू कर दिया है। ओ भाई यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर भी लाइट्स आ रहे हैं यार, अच्छा खासा फास्ट है यार ये पिगी बैंक। देखो 3 नोट्स एक साथ डाल रहा हूं मैं भी इसके अंदर। ओ भाई अच्छा खासा फास्ट है। अभी देखो गाइस इतने ढेर सारे नोट्स डालकर देखते हैं अपन लोग ले पाता है कि नहीं इतने ढेर सारे नोट्स ये पिगी बैंक। ओ भाई ये अटकना चालू हो चुका है, देखो यार पीछे से नोट्स खाना चालू कर रहा है अभी ये। तो भाई शायद इतने ढेर सारे नोट्स जो है ये पिगी बैंक नहीं खा पाएगा। तो 4 नोट्स एक साथ डालते हैं इसके अंदर। ओ भाई एक एक करके खा रहा है, देखो गाइस पीछे से
तो भाई यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये जो पिगी बैंक है आप सिर्फ इसके अंदर 3 नोट्स एक साथ डाल सकते हो। तो भाई अभी इस पैसों को निकाल के भी देख लेते हैं अपन लोग। इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है 0001234। अभी लगाते हैं फिंगरप्रिंट। अभी भाई मैंने इसके अंदर मेरी शक्ल भी दिखा दी है। ये देखो गाइस, यहाँ से हमें जितने भी पैसे इसके अंदर हम लोगों ने डाले हैं यहाँ से निकालने होते हैं। तो चलो भाई फटाफट से अभी जो है अपना ये वाला पिगी बैंक भी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये पिगी बैंक कितने फास्ट तरीके से अपने अंदर नोट्स वगैरह ले पाता है। तो भाई पहले हम लोग एक नोट से स्टार्ट करेंगे। ये देखो एक नोट डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। अरे भाई ले ले। ओहो, तो भाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो लग रहा था मेरे को ये पिगी बैंक। अरे भाई गजब की स्पीड है यार इसके अंदर। तो देखो गाइस कितने फास्ट तरीके से नोट्स को खाए जा रहा है। देखो 3 नोट्स यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। अभी तीनों को एक साथ इसके मुंह के अंदर ठूंसते हैं। वाह, 3 नोट्स भी एक साथ खा चुका है यार पिगी बैंक। तो यहाँ पर देखो गाइस 6 नोट्स एक साथ डाल के देखते हैं खा पाता है कि नहीं ये पिगी बैंक। वाह, तो भाई इसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, अपने सारे पैसे अपन निकाल लेते हैं बाहर। इसका भी जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो है 0001234। फिंगरप्रिंट लगाते हैं अभी। देखो गाइस यहाँ से अपने सारे के सारे जो नोट्स हैं ये पिगी बैंक ने वापस भी कर दिए हैं। तो सारे नोट्स निकाल लेते हैं। देखो गाइस, तो भी दोनों के अंदर देखो दो दो नोट्स मैं एक साथ डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कौन जीत पाता यार। इसके अंदर भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ पैसे और इसके अंदर भी यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो देखते हैं गाइस। तो भाई यहाँ पे क्लियरली आपको विनर नजर आया होगा, बैग वाला पिगी बैंक। तो भाई मैं अभी आपको बताता हूँ दोनों पिगी बैंक में से कौन सा पिगी बैंक मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगा गाइस ये वाला पिगी बैंक, बहुत ज्यादा यूनिक है यार। पर टफनेस के मामले में ये जो पिगी बैंक है बहुत ज़्यादा गजब का है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक से इसको बनाया गया है और भाई कोई भी आपके पैसे वगैरह इसके अंदर से चुरा नहीं सकेगा, क्योंकि भाई रॉन्ग पासवर्ड अगर आप डालते हो इसके अंदर एकदम से अलार्म भी बजने लगता है। इसके अंदर भी सेम सिस्टम दिया गया है पर उतना ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है। इसके अंदर भी अगर आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हो तो इसके अंदर भी एक जोरों का अलार्म बजने लगता है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको स्कूल बैग पिगी बैंक पसंद आया या फिर एरोप्लेन वाला पिगी बैंक पसंद आया, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम है यहाँ पे प्रमोद कुमार, निशांत गोयल, धर्मेंद्र, पीयूष, प्रकाश, अरुण सागर, मुजम्मिल, निज़ाम, कुलदीप, अंकित। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।